हमारा जो पंच है बात का वो ये है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की बजाय विश्व मित्र, विश्व बंधु, उसका चयन हो, और उसका चयन भी भारत की देवियां करें। वास्तव में ट्रू लीडर और परफेक्ट लीडर कौन हो सकता है? हु फॉरगेट्स हिमसेल्फ, हु हैज नो पर्सनल लाइकिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, हु सर्व्स इन जॉयस कंप्लीट एंड टोटल सेल्फ गिविंग, जो अपने आप को भूलकर सबकी सेवा कर सकता है, प्रसन्नता से कर सकता है, और जिसका अपना कुछ नहीं होता, ऐसा अगर विश्व में कोई है तो वह भारत की देवी हो सकती है, या देवी जैसा हो। जैसे आज हमारा सौभाग्य है कि पूरा विश्व युद्ध के जब कगार पर खड़ा है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी केवल मात्र एक व्यक्ति ऐसे हैं जो एक राग अलाप रहे हैं विश्व में शांति का, आत्मवत् सर्वभूतेषु का, सर्वे भवन्तु सुखिना का, शांति की बात को वही दम से कर रहे हैं। प्रेस कुछ कहे, आलोचक कुछ कहें, अलग बात है, लेकिन फिर भी ऐसी चर्चाएं हैं कि सीज फायर हुआ, कुछ देर तक युद्ध रोका गया, और दुनिया के कोने कोने से जो विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ने गया था वो अपने घर वापस लौटा है। तो ये किसके कारण है आप सब जानते हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। बिकॉज ही हैज नो पर्सनल प्रेफरेंसेस लाइकिंग्स एंड ही डजंट कंसीडर हिमसेल्फ टू बी कि वो कुछ है, एंड ज्वाइस और कंप्लीट और टोटल सेल्फ गिविंग में ही सर्विंग द पीपल, सर्विंग द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। मेरी बात का कहने का पंच ये था। आमर एटा गोटे अवार्ड्स करिथिलु फिक्की फ्लो विमेन अचीवर्स अवार्ड, आमे एटा लास्ट टाइम आरंभ करिछु, एटा प्रत्येक वर्ष आमे करुछु, 10टा कैटेगरी आमे करिछु, डिफरेंट विमेन मानकु आमे फेलिसिटेट करुछु, कैटेगरी नॉमिनेशंस पई आमे पकोउछु, तापर माने आसला परे 10टा कैटेगरी आमे अवार्ड दिउछु। उद्देश्य जो लेडीज माने महिला माने सब एते कष्ट करिकी दे रीचिंग ए हाइट, ତାଙ୍କ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍। ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବି ଦେଖିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ, ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେବେ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ପାଇଁ ଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଓରିଶା ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡିସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ୱିମେନ୍ ଅଚିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବା ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଥିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ବା ବିଜନେସ୍ ୱିମେନ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା 10ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, MSME, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ତାପରେ ଅଛି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ, ପଲିଟିକ୍ସ, ଆଉ ଆମର ଯିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫ୍ଲୋ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍, ଯିଏ ଫ୍ଲୋ ମେମ୍ବର, ଫିକି ଫ୍ଲୋ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର 8,500 ମେମ୍ବର୍ସ, 18ଟା ଚାପ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟର 2020ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, 60 ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଏବେ 80 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ହେଲେ ବିଜନେସ୍, ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, କେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ସ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ହୋମ୍ ମେକର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି।